विश्व एड्स दिवस के अवसर पर हमीरपुर जिला मुख्यालय में द मैग्नेट पब्लिक स्कूल व गर्ल्स स्कूल के बच्चों ने स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से जागरूकता रैली निकाली। इस अवसर पर बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर एड्स बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक किया और एहतियात बरतने की अपील की। बच्चों की रैली क्षेत्रीय अस्पताल से शुरू होकर सब्जी मंडी बीच बाजार होते हुए वापस अस्पताल में पहुंची। इस अवसर पर प्रोजेक्ट मैनेजर एड्स कंट्रोल सोसाइटी नरेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। रैली के दौरान बच्चों ने बताया कि एड्स दिवस के अवसर पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एड्स दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एड्स बीमारी के बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली जा रही है। गर्ल्स स्कूल की छात्राएं लोगों को अवेयर करने के लिए एड्स डे पे रैली निकाल रहे हैं, क्योंकि 1 दिसंबर को हर बार पूरे वर्ल्ड में एड्स डे मनाया जाता है। तो हम लोग लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाल रहे हैं कि वो इससे अवेयर रहें, एड्स से बचें, क्योंकि एड्स के इलाज काफ़ी कम है। इसका एक ही इलाज हो सकता है कि परमानेंट दवाई लेनी पड़ती है और बिना दवाई के इंसान बच नहीं सकता है। ये रैली एड्स डे पे मनाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एड्स के बारे में पता लग सके, वो जागरूक हो सकें और ये बीमारी कम से कम लोगों तक पहुँचे। एक्चुअली एड्स एक बीमारी ऐसी है कि उसके अगर वो किसी इंसान को हो जाती है तो उसका इलाज बहुत ही मुश्किल होता है, या फिर अगर पहले पता लग जाए तो हो जाता है, नहीं तो बाद में वो नहीं हो पाता। इसलिए एड्स से बचने के लिए ये रैली निकाली जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में जान सकें और इससे बच सकें। स्कूल अध्यापक ने बताया कि लोगों को पता नहीं है कि एड्स कैसे फैलता है और इस बारे में लोगों को जागरूक करना ही मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि एड्स को कैसे रोका जाए, इन सब का पता लगाने के लिए रैली के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है। हमने रैली ऑर्गेनाइज की है स्कूल ने वर्ल्ड एड्स डे के रिगार्डिंग, मतलब एड्स के बारे में सभी को अवेयर करने के लिए। एज यू नो कि इट इज़ एन अलार्मिंग प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि एड्स कैसे होता है। मतलब सभी को लगता है कि एक बस एक मीडियम की वजह से होता है, बट वैसा नहीं है। काफ़ी मीडियम है जिनकी वजह से एड्स हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ़र की वजह से, मदर से प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनसे उनके बच्चे को हो सकता है। बट उसके लिए क्योर क्या है, मतलब किस तरीके से हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं या रोकथाम क्या है, सभी को ये पता होना चाहिए। एंड दैट्स वाई ये रैली जो है सभी को अवेयर करने के लिए है। लोगों को जितना ज़्यादा जागरूक होंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो इससे विक्टिम है उनको सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है बस ये सोच के कि वो सोसाइटी में नहीं रहने के काबिल नहीं है। लेकिन वैसा नहीं है, हम उनके साथ रह सकते हैं, साथ उनके हम जो है एक्टिविटीज़ जो हैं कल्चर एक्टिविटीज़ ये सब कर सकते हैं, बट वी ओनली नीड अवेयरनेस एंड दैट्स वाई ये सारी रैली का यही मोटिव है। वहीं एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट मैनेजर नरेंद्र ने बताया कि एड्स बीमारी के बारे में जागरूकता होनी चाहिए ताकि एड्स बीमारी से बचाव हो सके। उन्होंने बताया कि 1988 से पूरे विश्व में एड्स जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। रैली का हमारा मुख्य उद्देश्य है, रैली से हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो, एड्स के बारे में जानकारी हो, क्योंकि ये जो एड्स डे मनाया जाता है ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये 1988 में शुरू हुआ था, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हर लोग एड्स के बारे में जागरूक हो और हर बंदे को एड्स के बारे में पता हो। मेन उद्देश्य हमारा यही है कि सबको सब लोग एड्स के प्रति जागरूक हो। ये जो हमने रैली निकाली है ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर अभी गांधी चौक तक निकाली है, बाकी हम यहाँ से इसको वापसी भी बच्चों के साथ रैली निकालेंगे और इसमें काफ़ी स्लोगन भी बोले गए हैं बच्चों द्वारा, जिसके द्वारा लोगों को जागरूक किया गया है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिला एड्स बीमारी के मामले में दूसरे नंबर पर है और इसके चलते ही स्वास्थ्य विभाग भी विश्व एड्स दिवस के मौके पर जागरूकता फैलाने में पीछे नहीं रहना चाहता ताकि एड्स बीमारी पर काबू पाया जा सके और ज्यादा जागरूकता फैलाई जा सके।